मोदी जी कहते हैं कि पिछले बार ये कैसे पहले ही जान जाते हैं कि 300 पार 400 पार कैसे पहले ही जान जाते हैं, कहीं ना कहीं इनका षड्यंत्र है। और स्वत बोलिए, अभी आप कुछ बोल रहे हैं, बोलो भैया, बोले कैसे भाई साहब 300 400 पार मोदी जी काम पर दिखा रहे हैं, अभी तक देख लिए इतना योजना पास हुआ है, आप सिलेंडर गैस। ठीक है एक मिनट रुके गुड्डू जी, 400 पार 40 पार आपके पास क्या है भाई, आपका क्या टारगेट है? ऐसा है कि गांव में अभी कुर्सी घूम घूम के लोग बेच रहा है, जो रुको गांव में कुर्सी, शहर में कुर्सी घूम घूम के गाड़ी में बेच रहा है 400 400 400, और जब देने का समय आता है तो 200 में 150 में दे के चला जाता है। वही स्थिति मोदी जी का होने वाला है, वही स्थिति मोदी जी का होने वाला है भैया। वो कह क्या हुआ, क्यों ताली बजा रहे हो, खड़े हो ताली क्यों बजा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि पूर्ण रूप से इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होने वाला। और भैया खड़े हो क्या बोल रहे हो, खड़े हो राम को नहीं कोई काम को नहीं है, इस बार काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा भारी मतों से जीतने वाली। इधर कोई बोलेगा, इधर कोई बोलेगा, पीछे ठीक है, आप लोग बोल चुके, हाँ बोलो भैया। इधर हमारे नेता पवन सिंह नहीं जीतेंगे, राजा राम फुल बहुमत से जीत रहे हैं, फुल बहुमत से इस बार वोट परिवर्तन को मिलेगा। ठीक है, इधर कोई और बोलेगा, इधर आ गया भैया, आगे आने दीजिए, नगर परिषद आप बोल चुके, आ गया, अरे आ गया भैया आगे आने, तो जल्दी आओ, इधर बोलिए ना, चलो ठीक है, नहीं बोलोगे तो कोई जितना टाइम नहीं, भैया आप बोलो। इस बार भैया हम लोग को जनवरी माह में क्वार्टर आवास देने का सरकार काम कर रहा है, एक तरफ आवास बरसात के मौसम में पुलिस डंडे से खाकर आवास खाली करा दिया गया, डालमिया नगर क्वार्टर में यही उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ रुके हुए थे, लेकिन जिस दिन 4 दिन का समय हम लोग मांग रहे थे कि आप लुक्रेशन से बात कर लिए, लेकिन नहीं, इसी बारिश के मौसम में डंडे खाकर बाहर सामान को भी कर खाली 70 क्वार्टर कर दे और खाली होने जा रहा है। तो आप किस क्या कहना चाहते हो, कौन लॉलीपॉप दे रहा है, कौन काम कर रहा है? हम लोग इस बार फुल बहुमत से राजा राम जी को सपोर्ट करके जीता रहे हैं। ओके, राजा राम जी को सपोर्ट करेंगे। भैया अब आप खड़े हो, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। कांग्रेस के भाई कह रहे हैं कि गरीबी कैसे दूर होगा, इनके पास एक मशीन आया है, एक तरफ आलू डालो एक तरफ सोना निकलेगा, यही दूर कर सकते हैं। कहना क्या चाहते हो आप? कहना ही चाह रहे हैं कि लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 5 किलो के जगह पर 10 किलो अनाज दे रहे हैं, इनको विकास नहीं नजर आ रहा।